हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लुकॉन डुकुकॉन। मैं एकता छाबड़ा आज आपके साथ बनाने जा रही हूँ पंजाब की एक और स्पेशल सब्जी, मेथी मलाई मटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेथी हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती है, लेकिन अगर हम सिंपल मेथी बनाते हैं तो थोड़ी सी बिटरनेस उसमें होती है। इसलिए आज हम इसे मलाई के साथ बनाएंगे, जिससे इसकी बिटरनेस कम हो जाएगी और बच्चे भी बड़े मज़े से खाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, 7-8 काजू, जिसे हम थोड़े से पानी में पका लेंगे। इससे क्या होता है कि प्याज की जो स्मेल होती है वो कम हो जाती है और ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, जिसमें 2 चम्मच घी लेंगे। घी इसलिए क्योंकि ये मेथी के फ्लेवर को और बढ़ा देता है। अब हमने 1 बंच मेथी का लिया है, जिसे मैंने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और इसे काट लिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनना है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मेथी भुनने के बाद में थोड़ी सी हो जाती है। अब हम इसमें थोड़े से पानी की छींटे ऐड करेंगे, जिससे कि इसकी बिटरनेस थोड़ी कम हो जाती है, और इसे 2 मिनट के लिए ढककर भून लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, मेथी भी भून चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में डालकर ठंडा कर लेते हैं। तब तक हम ग्रेवी के लिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। जो प्याज हमने पका कर रखा था, उसमें थोड़े से लहसुन ऐड करेंगे और काजू, इसे हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम उसी फ्राई पैन में 2 से 3 टेबल स्पून तेल ले लेंगे, जिसमें ऐड करेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जैसे कि बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, 2 खड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, 2 हरी इलायची। अब हम इसमें जो प्याज का पेस्ट पीस कर रखा था उसे ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह धीमी आँच में भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसे मिलाकर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तब तक हम टमाटर पीस लेते हैं, जिसमें जाएगा थोड़ा सा अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च। अगर आप लाल मिर्च पसंद नहीं करते हैं तो हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हम मसाले की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा बटर, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, जो हमने ग्राइंड करके रखा था, और इसे ढककर अच्छी तरह भून लेते हैं। अगर आप इसमें वाइट ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसमें टमाटर की जगह आप दही यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए मटर, जिसे मैंने 1 सीटी और थोड़ा सा नमक देकर उबाल लिया है। अब जाएगी इसमें थोड़ी सी मेथी, जो हमने भून कर रखी है, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। 5 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम आप मार्केट की भी ले सकते हैं और घर की भी ले सकते हैं। क्रीम ऐड करने से इसकी बिटरनेस कम हो जाती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर इसमें हम दूध ऐड करेंगे। पानी की जगह हम दूध ऐड करते हैं, इससे सब्जी का फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। सब्जी हमारी बनकर तैयार ही होने वाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। अब इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक ही होती है। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए और भून लेते हैं। 5 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सब्जी ने अपना तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसे धनिया से गार्निश करते हैं। अगर आप इसमें वाइट ग्रेवी चाहते हैं तो आप टमाटर और लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च और दही का यूज़ करें। सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी है। अब हम इसे एक बोल में सर्व कर लेते हैं।
इसे गार्निश करने के लिए मैंने डाला ऊपर से घी। घी के कारण ये टेम्पटिंग तो दिखती ही है, साथ ही हेल्दी भी होती है। इसमें हमने तेल बहुत कम यूज़ किया है, इसलिए मैं बाद में इसे घी से गार्निश कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ी सी मलाई से गार्निश करेंगे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। अब बच्चे बहुत ही शौक से खाने वाले हैं इसे, तो आप जल्दी से इसे घर पर बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। और मेरे साथ इसी तरह बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।